जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मरोठिया में यहाँ पर मौजूद है। और आज जो एक बहुत बड़ी वारदात की घटना हुई, हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार से अभी हम बात भी करेंगे। और इस वक्त यहाँ इनके घर में पूरा मातम छाया हुआ है और लोग, इसके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू हैं। हम सीधे जो मृतक हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, हम उनकी पत्नी से बात करते हैं। कैमरा मैन थोड़ा और नज़दीक आ जाए। और बड़ी दुखद घटना है, मैं यहाँ मरोठिया में मौजूद हूँ। तो बाजी बहुत दुख है, हम लोगों को भी बहुत दुख है। और जैसे घटना की वारदात की जानकारी हुई, हम यहाँ पहुँचे। आपका नाम क्या है एक बार? तो नहीं तो जैसे आपके पति क्या करते हैं? मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। नहीं तो ये क्या सुबह कहाँ जा रहे थे? काम पर जाते हैं, अख्तर प्रधान के स्कूल में काम करते हैं। अख्तर जो है क्या प्रधान है? अख्तर प्रधान कन्हैला के, उनके स्कूल में काम चल रहा था। तो ये यहाँ काम, यहाँ से निकले? हाँ, इधर से निकले घर से जी। रास्ते में इन लोग रोक के जी, फिर पत्थर मार दिए पीछे से जी। जब गिर के तो फिर मार डाले, मार मार के। नहीं, मारने में कितने लोग थे उनके घर के, क्या ये आपको पता है? कुछ जानकारी इसकी चाहिए, कितने लोगों ने हमला किया उनके ऊपर? अरे वो पूरा घर जो है, पूरा हमला। घर में उनके कितने लोग जानते हैं? बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है? नाम बताओ। देखिए जो है, जो आपने नाम क्या बताया था? देखिए, फानूस बेगम बहुत दुखी है और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूँ कि परिवार में पूरा मातम छाया हुआ है। शब्द ही नहीं है कि ये क्या बोल सके। हम जो मृतक हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, हम उनकी माँ से भी बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कैमरामैन और नज़दीक आ जाए, हमारी इस तरफ आ जाए। तो दादी, एक बार आपका नाम जानेंगे? क्या नाम है आपका दादी? नहीं तो जो है, जो बेटी की हत्या हुई आपकी? हमें बेटे हत्या भाई है, हम जी है, तो यहाँ रहन जी, और लड़का उधर हुआ वही घर में रहा, हुआ से गवाह है जी। तो हम जब नहीं गई हन पहले हुआ का मार चुके हो? नहीं, जो आपके जो बेटे हैं, कि बड़े थे बेटी है आपके? छोटे थे। उनके परिवार में कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे, बहुत छोटे। क्या जमीन उमीन भी आपके पास है कि नहीं है? जमीन उमीन सही नहीं है, जमीन नहीं है आपके पास? नहीं तो अब क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? न्याय मिलना चाहिए आपको, क्या न्याय मिलना चाहिए आपको? देखिए, यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आप पीछे देख सकते हैं। थोड़ा नीचे करके कैमरामैन दिखा भी दें। ये जो है मुशीर भाई के बच्चे हैं, ये इनका बड़ा बेटा है और ये इनकी बिटिया भी है और एक छोटा बेटा है। बच्चे इतने छोटे हैं कि अब ये आप मान के चलिए कि बच्चे जो बहुत छोटे हैं, इनको पता ही नहीं कि मेरे पिता कहाँ गए और मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ। ये दुखद घटना, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मरोठिया में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। और जैसा कि परिवार के लोगों द्वारा जानकारी दी गई है मुझे, कि तहरीर दे दी गई है और मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो मेरे बेटे की, मेरे पति की निर्मम हत्या हुई कोटेदार के द्वारा, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और वो जेल जाना चाहिए और इनके परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा से बात करते हैं कि जो आज ये वारदात की घटना यहाँ पर हुई है, कोटेदार के द्वारा क्या किया जा रहा था, गाँव में कोटेदार के द्वारा वितरण प्रक्रिया कैसी थी। मैं बात करता हूँ यहाँ के ग्रामीण से, कैमरामैन और नज़दीक आ जाए। तो भाई साहब, एक बार पूरा आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम इसबाउद्दीन है जी। तो भाई साहब, जो कोटेदार जो है, कोटेदार का नाम क्या है यहाँ का? नजीर अहमद। तो नजीर अहमद के जो वितरण प्रक्रिया, कब से कोटेदार थे ये? ये दो साल से। तो वितरण प्रक्रिया क्या थी इनकी, क्या राशन वासन बांटते थे या नहीं बांटते थे? बिल्कुल खराब थी, आधा राशन देते थे। थोड़ा जोर बोलिएगा। किसी का 10 किलो है तो उसमें 5 किलो देते थे जी। वैसे तो हर यूनिट पे 1 किलो काटने का इनका ये काम नहीं था जी, बल्कि बाकी किसी को देते ही नहीं थे। अभी ये लास्ट अगस्त का महीना था जी, इसमें मेरे ख्याल से आधे लोगों को नहीं दिया। और फिंगर से तय है, सबके पास पर्ची भी मौजूद है, पर्ची सब घर पे रखे हुई है जी। फिंगर लगवा करके पर्ची काट देते थे, पर्ची दे देते थे उन्हीं को जिनका राशन कार्ड होता था जी, उनके घर पे रखी हुई है जी, फिर भी पर्ची रखी हुई है जी, लेकिन राशन नहीं देते। इस वक्त गर्मी का इतना विकट मौसम भी चल रहा है और बरसात भी हो रही है, बरसात का मौसम चल रहा है, क्या मिट्टी का तेल कोटेदार के द्वारा वितरण होता था? नहीं होता था। नहीं होता, कब से वितरण नहीं किया? कभी हुआ नहीं, मेरे कभी नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा। 2 साल से कोटेदार इन्होंने तेल ही नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा तेल, नहीं बांटा। देखिए, और हमारे बीच में ग्रामीण थे, कहाँ गए वो? जो आपका नाम क्या है? रिंकू जी, इसी गांव में रहते हैं आप? जी हाँ, इसी गांव में रहते हैं। तो जो कोटेदार के द्वारा जो ये आज घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कोटेदार की वितरण प्रणाली से संतुष्ट है क्या? हम 2 साल से गल्ला ही नहीं पाए, 1 ग्राम गल्ला नहीं पाए, 1 ग्राम गल्ला ना 1 ग्राम तेल। नहीं, कार्ड आपका बना? जी, कार्ड बना लाल सा। नहीं, कभी जब गल्ला लेने जाते हो क्या करता है? पर्ची काट देते हैं, गल्ला देते हैं, गल्ला नहीं देते। कोटेदार का नाम क्या है?
नजीर अहमद। देखिए यहाँ पर हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं, मरोठिया गांव में मौजूद हैं, और गांव वालों ने पूर्ण तरीके से यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने कोटेदार नजीर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बताया कि कोटेदार के द्वारा मिट्टी तेल का वितरण यहाँ लगभग 2 सालों से नहीं किया जा रहा है, और जो गल्ला है, गांव वालों ने आरोप लगाया कि गल्ला मशीन पे अंगूठा लगवा करके और रसीद निकाल ली जाती थी, लेकिन गल्ला उनके द्वारा वितरण नहीं किया जाता था। यहाँ ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, और इन लोगों ने, सभी लोगों ने उनकी वितरण प्रणाली को जो दुरुस्त नहीं है उसको लेकर के उनके कोटा सस्पेंशन की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका कोटा बहराइच के थाना कैसरगंज में आज कोटेदारी व राशन वितरण को लेकर कोटेदार व ग्रामीणों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें ग्रामीणों में से एक मुशीर नाम के व्यक्ति को चोटें आई, हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों द्वारा कोटेदार व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ 302, 147, 323, 504, 506 व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। अपराधियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही संबंधित SDM साहब को और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को भी मौके पर जाके कोटेदारी के विवाद के संबंध में जाँच किए जाने के लिए बताया गया है। अग्रिम कार्रवाई वेचना के क्रम में। दोस्तों, ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मरोठिया से, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी जी मौके पर मौजूद है, कारी शकील भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और जो मृतक हो चुके हैं मुशीर के पिता आप यहाँ सामने देख रहे हैं, जो कुर्ता पहने हुए हैं और नीचे आप देख रहे हैं जो तहमत बांधे हुए हैं नीले कलर की, ये मुशीर अहमद के पिताजी हैं। और यहाँ पर जो है सीधे यहाँ पर जो पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर उनके पिताजी को आश्वासन दे रहे हैं कि मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सभी रिपोर्ट जैसा कि हमने बताया है आपको कैसरगंज मरोठिया की ये सभी तस्वीरें हैं, और जैसा कि आप जानते हैं राशन वितरण जो उसकी प्रक्रिया को लेकर के मुशीर से और जो कोटेदार हैं नजीर से कुछ वार्तालाप हुआ, और उसके बाद जो है दोनों पक्षों में मारपीट हुई, और मारपीट में जो है मुशीर को गंभीर चोटें जो उनके सर पे लगी, उनके परिवार के लोगों द्वारा उन्हें लेकर जाया गया। अब आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं उप जिलाधिकारी रामजीत मौर्या भी यहाँ साथ में CO के मौजूद हैं, त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी जो CO हैं वो भी यहाँ साथ साथ चल रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों। और परिवार के लोगों द्वारा जो हत्या आरोपी हैं, हत्या के जो दोषी हैं नजीर अहमद के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, वह आप सामने तस्वीरों में देख रहे हो, वही जो पत्थर है जो सीमेंट का ईंटा है आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे जो है मुशीर के सिर पे मारा गया था और मुशीर को काफ़ी चोटें आई थी। दोस्तों, ये वही ईंटा है दोस्तों, पत्थर है, और अब आप देख रहे हैं मुशीर का जो है पूर्णाष्टम होके जब उनकी लाश उनके गांव पहुंची, मरोठिया पहुंची, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहां पर हजारों की संख्या में महिला क्या पुरुष, जैसे उनको जानकारी हुई कि लाश जो है उनके गांव पहुंच चुकी है, यहां पर हजारों की संख्या में जो आसपास के ग्रामीण थे वह यहाँ मौके पर पहुँच गए। अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी माँ हैं, उनकी पत्नी है, आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है, और छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मरोठिया में जो कोटेदार हैं, दबंग कोटेदार हैं, उनके द्वारा जो है पत्थर मारने पर सर पर जो है मुशीर की जो इलाज रास्ते में इलाज के लिए वो लखनऊ ले जा रहे थे और रास्ते में उनकी मौत हो गई, और इसकी जानकारी मिलने पर जो है भारी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। अब आप ये देख रहे हैं उनके जनाजे की यहाँ पर तैयारी हो रही है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स भी यहाँ पर मौके पर पहुँची। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जानकारी हुई ब्रजेंद्र पटेल थाना प्रभारी निरीक्षक जलवलोड वो सर्वप्रथम यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जो है पूरी टीम के साथ चौकी इंचार्ज जरवल अभय सिंह भी यहाँ पहुँचे, और परिवार के लोगों से बात करके सूझबूझ से जो है उनकी मिट्टी उनका जनाजा जो है ले जा करके दफन करवाया।